तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज अपन को स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक। इसी टॉपिक में जनरली चैप्टर भी इसके बाद वाले टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा, होपफुली कंप्लीट तो हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफिनाइट सीट। इससे पहले हमने एक सीट के बारे में देखा, उसका लिंक आपको वीडियो पे दिख जाएगा। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपना। दो अगर सीट हम देख देते हैं तो भैया किस तरह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बोल रहे दो इनफाइनाइट पैरेलल सीट दी गई हैं। मान लेता हूं एक ये सीट हो जाएगी मेरे पास, ठीक। दूसरी सीट इसी के पैरेलल में रखी हुई है, इसके पीछे जस्ट ये सीट। ये कौन सी सीट मान लेता हूं, दोनों सिग्मा पॉजिटिव सीट। पहला केस ले लेते हैं, दोनों ही पॉजिटिव सीट है, ठीक है। चलो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूं इसके लिए पहल। तो ये यहां पास पॉइंट पे क्या आ जाएगा, अब पहला आता है केस वन, केस टू एंड जनरली केस थ्री। तीनों केसेस के लिए स्टडी अब कर लेते हैं। तो ये वाले फील्ड पे क्या आ जाएगा हमारा, ये जनरली मैं मान लेता हूं सीट ए है, ये सीट बी है, समझ में आया। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली E1 इधर ही साइड एग्जिस्ट करेगा, इसके कारण भी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जनरली ये सारा पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरा सीट ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ये वाले केस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E1 फर्स्ट केस के लिए क्या आ जाएगा, इधर ही साइड आ जाएगा, और सेकेंड केस के लिए क्या आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा। चलो भैया समझ आया, ठीक। नेक्स्ट केस आ जाता है ये वाला, तो भैया इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 तो पहले से इधर ही साइड था, तो E1 के लिए इधर ही साइड आ जाएगा। E2 के लिए क्या आ जाएगा, फिर से E2 के लिए भी इधर ही साइड हो जाएगा, समझ में आया क्या। चलो ठीक, पिछले वाले केस में अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट वन, सीट जब इस्तेमाल किए थे इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट सीट के बारे में ही है। तो क्या आया था अपना ई की वैल्यू आई थी जनरली एफ सिग्मा बाय टू एफ सेवन नॉट आई थी। चलो वन साइडेड था, यहां वन साइडेड ही बात करेंगे, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला का यूज करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केस वन पे जनरली केस वन यहां वाले रीजन पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, और सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, E1 तो अपना जनरली एक साइड को, इसमें एक चीज और, अगर मैं इसको सिंपल इस तरह से मान के चलता हूं, ये वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस, तो ये एक्स क्या होता है नेगेटिव साइड, ये होता है पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ठीक। तो जनरली मेरे को यहां एक चीज मान के चलना होता है, या तो मैं एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर के इधर साइड को पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि ये हाफ से अगर मेरा ये परपेंडिकुलर गया है, तो इस परपेंडिकुलर के इधर साइड को मैं नेगेटिव मान के चलूंगा, जो भी रेज इधर साइड डायरेक्ट करेगा वो नेगेटिव मान के चलूंगा, ठीक। चलो तो इस कॉन्सेप्ट को यहां समझना था, अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो ये फिर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं भैया, डायग्राम प्रॉपर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं हो पाएगा। चलो तो ई क्या आ जाएगा, E1 नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, अब E2 जो जा रहा है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन तो माइनस E2, तो अपना ई नेट क्या आ जाएगा ये। तो ये इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ई की वैल्यू कितनी है हमारी सिग्मा बाय, अब मान के चलता हूं इसमें क्या है सिग्मा 1 है, इसमें क्या है सिग्मा 2 है, ये भी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन रहे ना तो एक फट से कमेंट मारना, ठीक। वह ई सिग्मा 1 बाय क्या लिख सकता हूं 2 7 0 प्लस, और इसकी जगह माइनस है तो माइनस, और ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा जनरली, सिग्मा बाय 2 बाय F7 नॉट यहां भी लिख सकता हूं, और इसको अगर आगे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो मेरे रीजन 1 पे क्या आ जाएगा, नीचे सॉल्व कर देता हूं, काहे जगह भर रहा हूं भैया, छोटा सा बोर्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों में से 1 बाय F7 नॉट को कॉमन ले सकता हूं, और ये क्या लिख सकता हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इस तरह से लिख सकता हूं। चलो 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 तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन, अगर मैं मान के चलता हूं सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, ये आपका एक इक्वेशन आ गया। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू डिफरेंट है तो आप ये फॉर्मूला को यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू डिफरेंट नहीं है मतलब सेम है, तब ये फॉर्मूला कैसे आ जाएगा 2 बाय F7 नॉट,
इंटू सिग्मा वन और सिग्मा टू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा सिग टू सिग्मा, जनरली क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना, चलो यहाँ थोड़ा बैठ ही जाता हूँ, क्या आ जाएगा ये अपना टू सिग्मा लिख सकता हूँ और टू एफ सेवन नॉट, और ये क्या क्या आ जाएगी ई की वैल्यू, अब ये टू टू कैंसल अप, तो ये सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट आ जाएगी इधर साइड, बट साइन क्या आएगा माइनस माइनस प्लस तो होता है भैया, पर माइनस ही रहता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट आपकी यूनिट आ जाएगी। चलो भैया इसको लिख लो, क्लियरली हो जाए पहला केस के लिए, फिर पढ़ते हैं दूसरे केस के लिए। अब आते हैं दूसरे रीजन, दूसरे रीजन को इतने स्पेस में सॉल्व कर देंगे फटाफट, अब कॉन्सेप्ट पकड़ लिए भैया। तो अब सेकेंड वाले रीजन पे अगर मैं आता हूं केस टू के लिए, सेकेंड वाले रीजन पे ई वन और ई टू क्या है डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में, तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू ई वन किधर साइड जा रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्ब ऑफ ई एन, ई टू किधर जा रहा है नेगेटिव साइड, तो माइनस ई टू, सिग्मा सिग्मा बाय, अब मैं मान के चलता हूँ सिग्मा वन बाय सिग्मा टू, फिर से सिग्मा वन बाय टू एफ सेवन नॉट पॉजिटिव, सिग्मा टू बाय टू एफ सेवन नॉट, ठीक ये आ जाएगा, तो ये जनरली इसको क्या लिख सकता हूँ टू एफ सेवन नॉट, और इसको सिग्मा वन माइनस ऑफ सिग्मा टू लिख सकता हूँ, अगर मैं मान के चलता हूँ सिग्मा वन और सिग्मा टू इक्वल है, फिर से सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू, हर इक्वेशन में लिखना जरूरी है आपको जब बताएंगे आप ये, तो ठीक तो ये क्या आ जाएगा ये माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो बाय टू एफ सेवन नॉट समथिंग बाय जीरो इज सेड टू बी अ जीरो 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 जीरो। चलो तो ये इसकी ई नेट क्या आ जाएगा, यहाँ ई नेट इज इक्वल्स टू बीच वाले पोजीशन पे जीरो आ जाएगा, ठीक है इसको लिख लो, फिर आगे सबको रब करके थर्ड वाला सॉल्व करना चालू करते हैं, क्लियर है वीडियो, अब ये पूरा रब करे दे रहा हूँ। तीसरे केस के लिए सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और अपना इक्वेशन इसी वाले सॉल्व कर देते हैं केस थ्री के लिए यहीं से। तो ये केस थ्री में मान लेता हूँ सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन पॉजिटिव हो जाएगा, ई टू भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये अपना ई नेट का बन गया, ई नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पास ई सिग्मा वन, और यहाँ भी पॉजिटिव सिंपल लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा वन बाय टू एफ सेवन नॉट, और ये क्या आ जाएगा सिग्मा वन पर सिग्मा टू, और सिंपल अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ दोनों को अगर मैं मान के चलता हूँ इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा टू सिग्मा बाय टू एफ सेवन नॉट, मतलब सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट आ जाएगा, ठीक यहाँ पास क्या इधर साइड के लिए क्या आ रहा था माइनस सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट, इधर के लिए पॉजिटिव सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट। चलो भैया इसको भी फटाक से स्क्रीन शॉट ले लो, लिख लो जो करना है कर लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना केस फर्स्ट और तीनों की फील्ड के लिए निकाल दिए, अब थोड़ा सा केस में चेंजेस करेंगे और उस केस के लिए भी निकाल लेते हैं। अगर मैं मान के चलता हूं अब दोनों प्लेट्स मेरी क्या है नेगेटिव है, अब ये दोनों प्लेट्स क्या है मेरी नेगेटिव है, अभी मैं प्लेट को क्या मान के चल रहा था दोनों सीट्स को मान के चल रहा था पॉजिटिव है, अब मैं थोड़ा सा वैल्यूज ये चेंज हो जाएंगी, ये भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। इसको क्या मान के चलता हूँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर साइड भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सिग्मा नेगेटिव, ठीक ये सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा वन मान लेते हैं सिग्मा टू जनरली, फिर से चलो ये आ जाएगी आपकी लाइन, फिर से जोड़ देते हैं। अब आते हैं सबसे पहले इंडिकेशन कैसे करेंगे, नेगेटिव के लिए जस्ट अपोजिट कर दो, पॉजिटिव के लिए क्या साइड आ रहा था हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था, अब ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो E1 और E2 का साइड क्या आ जाएगा इधर साइड, सेम टू सेम इधर राइट हैंड साइड आ रहा था, अब क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड E1 और इधर साइड क्या आ जाएगा E2, ये जो हमारे नेगेटिव फील्ड का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक पॉजिटिव फील्ड पॉजिटिव का ही डायरेक्शन को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। चलो ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं तो इसको क्या रिविजन कर रहे हैं, चलो यहाँ पास हो गया, अब जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट में थोड़ा सा ही बीच में थोड़ा सा ही चेंजेस आ जाएगा, जो हमारा E1 राइट हैंड साइड जा रहा था अब क्या चल देगा E1 लेफ्ट हैंड साइड, ठीक E2 जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा था अब वो क्या है राइट हैंड साइड चला जाएगा, ठीक सिंपल, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस के इक्वल, ठीक इधर साइड को नेगेटिव उधर साइड को पॉजिटिव मान के चलेंगे, सिंपल केस वन, फिर से केस फर्स्ट, ठीक
केस फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, ई नेट, फिर से ई नेट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू लिख सकता हूं। ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 फील्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। डायरेक्शन किधर साइड है, डायरेक्शन लेना है ना भैया, साइज नहीं लिखना है कि भैया इधर एरो है तो वो डायरेक्शन लेके चलना है भैया। डायरेक्शन किधर साइड है, मेरे राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को मैं क्या मान के चला हूं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। चलो ई नेट की इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वन बाय टू ऑफ एफ सेवन नॉट, और इसकी क्या आ जाएगी, सिग्मा टू बाय टू ऑफ एफ सेवन नॉट, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, पूरा एक हिसाब सॉल्व कर देता हूं, तो टू सिग्मा सिग्मा वन टू सिग्मा, मैं मान के चल रहा हूं कि सिग्मा वन और सिग्मा टू इक्वल है हर एक केस के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, टू ऑफ एफ सेवन नॉट, टू टू कैंसल, तो सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट इस केस के लिए आ जाएगा। ठीक, और एक इक्वेशन जो आएगा अपना सिग्मा वन और सिग्मा टू को जब मान के चलेंगे भैया, तो ये सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, एक इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है, चलो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, अगर मैं मान के चलता हूं सिग्मा वन और सिग्मा टू इक्वल है। सेकंड केस ड्रॉ करते हैं और फिर कंप्लीट होगा अपना वीडियो, इसको लिख लो भैया जल्दी से। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं, अपना सेकंड वैल्यूज आ जाएगी इसके केस के लिए। तो जनरली मैं क्या बना देता हूं, केस टू, केस टू ले लेता हूं, फिर से मैं E1 और E2 के रिस्पेक्ट में, जनरली दोनों अपोजिट है, तो E नेट क्या आ जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E1, और E1 क्या आ जा रहा है, माइनस है, तो ये माइनस प्लस E2 पॉजिटिव साइड जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक, दोनों उसकी वैल्यूज को पुट कर दो, E1 की जगह सिग्मा 1 बाय 2 ऑफ F7 नॉट, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव सिग्मा 2 बाय 2 ऑफ F7 नॉट। अब यहां से क्या लिया सकता हूं, 1 बाय 2 ऑफ F7 नॉट को कॉमन, माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को, अगर मैं इक्वल मान के चलता हूं तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये 0 और 2 F7 नॉट, तो मतलब यहां ई नेट और ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया, चलो भैया इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपना आता है अब थर्ड केस, जल्दी 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 थर्ड केस, अब इसी में आता है ये वाला केस के लिए स्टडी कर लेते हैं। केस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, अब मैं ये क्या कर देता हूँ, इस साइड से कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको यहां से रम, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से रम। चलो ये आया अपना दो यूनिट E1 और E2, अब मेरा जो आ रहा है E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब क्या है, नेगेटिव नेगेटिव साइड, तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों ही माइनस आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देता हूं, तो E नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा 1 बाय 2 ऑफ F7 नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 ऑफ F7 नॉट। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय F7 नॉट को 2 ऑफ F7 नॉट को क्या ले सकता हूं, कॉमन। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ सेवन नॉट और माइनस एफ सेवन नॉट, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं मान के चलता हूं अगर सिग्मा वन और सिग्मा टू इक्वल है फिर से, तो ये केस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू ऑफ सिग्मा एफ सेवन नॉट, सॉरी सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा, टू ऑफ एफ सेवन नॉट, टू टू कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट, वो भी नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू आ गई भैया। और ये दोनों इक्वेशन में आपको देखने क्या मिल रहा है, इसके लिए पॉजिटिव आ रही है और इसके लिए जस्ट नेगेटिव आ रही है। पर पिछले वाले केस में, इस वाले केस वन के लिए हमारा क्या आया था, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आया था, और इसके लिए पॉजिटिव आया था, बस यही अंतर है दोनों में। चार्जेस लेंगे सिर्फ कि सिर्फ फॉर्मूला चेंजेस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस के चेंजेस आएगा और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इसको लिख लो भैया, फिर थर्ड केस सॉल्व करते हैं और जल्दी से कंप्लीट करते हैं आज का अपना वीडियो, हो गया। चलो तीसरा केस में हम थोड़ा बहुत और चेंजेस कर देंगे, अब जो सीट्स हैं उनको अपोजिट चार्जेस का ले लेंगे, एक सीट को नेगेटिव एक सीट को पॉजिटिव, सिंपल और सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब मेरा थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, इधर साइड को भी, सेंटर को भी, सीट को भी, ठीक, और इधर साइड को भी, ये फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं ये लाइन। ठीक, अब मेरा ये क्या मान के चलता हूँ, इसको पॉजिटिव सिग्मा वन, इसको नेगेटिव सिग्मा टू मान के चलता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या आ जाएगी, जनरली पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन इधर आ जाएगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव के अपोजिट होगी, तो ई टू क्या आ जाएगी, इधर साइड, सिंपल इधर क्या आ जाएगा, ई वन का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इधर साइड, और ई टू का डायरेक्शन किधर साइड जा रहा था, इधर ही साइड, राइट हैंड साइड,
यहां से कहां साइड जा रहा है भैया, राइट हैंड साइड जा रहा है E2 का डायरेक्शन, तो इधर साइड क्या जाएगा, E2 का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। चलो तीसरा केस, E1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट E1 का डायरेक्शन अपोजिट साइड हो जाएगा, मतलब E1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा, नेगेटिव साइड, सॉरी E1 का डायरेक्शन एज कंपेयर टू द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कारण इसका डायरेक्शन इधर साइड आ जाएगा। डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हुए ना तो कंफ्यूज आ जाओगे ये क्वेश्चन में, ठीक। अब आता है पॉजिटिव, अब इसके कारण क्या आ जाएगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, मतलब ये क्या हो जाएगा, इधर साइड, E2 का डायरेक्शन इधर साइड, ठीक है। एज कंपेयर टू पॉजिटिव का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड ही आता था, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, बट जो हमारे नेगेटिव का डायरेक्शन आएगा वो उल्टा होगा पॉजिटिव के डायरेक्शन से, तो यहां क्या लिया मैंने, इसको जस्ट राइट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। यहां पास E1 का डायरेक्शन पहले से ही कहां से साइड जा रहा था, राइट हैंड साइड में जा रहा था, क्योंकि ये से एक सीड हो गया, सीड के इधर साइड क्या जाएगा, पॉजिटिव साइड हैंड जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण क्या जाएगा, माइनस के कारण जनरली जा तो रहा है किधर साइड जाना चाहिए, इधर ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड जस्ट अपोजिट जाता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि अगर मैं इसका सीट ये मान के चलता हूं, ये एक सीट हो गया, तो ये वाले सीट के लिए क्या हो जाएगा, इधर ही साइड कंपेयर करूंगा, तो हमेशा ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के, तो उल्टा किधर साइड जाएगा, इधर ही साइड जा रहा है, क्योंकि अभी भी ये किधर साइड आ रहा है, लेफ्ट, ये लेफ्ट आ रहा है, ये क्या जा रहा है, ये राइट आ रहा है, ये लेफ्ट आ जा रहा है, तो इसके हिसाब से इधर साइड क्या आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव का डायरेक्शन इधर साइड आएगा, तो नेगेटिव का डायरेक्शन जस्ट उधर साइड, तो इसलिए मैंने क्या लिया, अंदर साइड लिया, ठीक। तीनों और तीसरे के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, ठीक। तो केस वन लिख देते हैं, केस वन के लिए, चलो भैया फिर से आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। केस वन के लिए क्या आ जाएगा अपना, E net is equal to, फिर से लिख देंगे E1 plus E2, सिंपल। E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1, और यहां पर देख लेना पॉजिटिव नेगेटिव, सिग्मा E1 क्या है, पॉजिटिव, E2 क्या है, नेगेटिव, सॉरी यार, E1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा अपना, नेगेटिव, E1 इज नेगेटिव एंड E2 इज पॉजिटिव, हाफ सही है भैया। चलो सिग्मा 1 बाय 2 ऑफ F7 नॉट, अब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सिग्मा 2 बाय 2 ऑफ F7 नॉट, चलो ये दोनों हो गया कंप्लीट। अब सिंपली अगर मैं अभी नहीं मानूंगा, मानना क्या है, तो ये 1 बाय 2 ऑफ F7 नॉट को कॉमन लिखा कर सकता हूँ, माइनस ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ जाएगा एक इक्वेशन, तो आपका ये आ जाएगा। अगर मैं मान कर चलता हूँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है, तब हमारा इक्वेशन में क्या थोड़ा सा चेंजेस आएगा, सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा, तो ये 0 बाय 2 ऑफ एस सेवन नॉट, 0 ऑफ 2 एस सेवन नॉट क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नेट इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मतलब इधर साइड केस के लिए क्या आ जाएगा, 0। चलो सेकेंड वाले केस के लिए निकालते हैं, केस थर्ड सेकेंड के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E net की जगह फिर से लिख दूंगा E net is equals to E1 plus E2। अब ये क्या जा रहा है, E1 भी पॉजिटिव साइड जा रहा है, E2 भी पॉजिटिव साइड जा रहा है, चलो तो सिग्मा 1 by 2 of F7 not plus सिग्मा 2 by 2 of F7 not, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से F7 not को कॉमन ले लेता हूँ, 2 of F7 not, और ये क्या आ जाएगा सिग्मा 1 plus, चलो लाइट गोल हो गई थी फिर से आ गई। यहाँ पास अपना क्या आ जाएगा, सिग्मा वन और सिग्मा टू को फिर इक्वल मान लेते हो, टू ऑफ सिग्मा हो जाएगा और टू ऑफ एफ सेवन नॉट, टू और टू कैंसल हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट आ जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा भैया, ई नेट की वैल्यू। चलो ये केस आपका सेकेंड केस पे क्या रहा है, सिग्मा बाय एफ सेवन नॉट, ये वाले पे, ठीक। इसी वाले केस पे आपको ऐसा केस मिला है, नहीं तो बाकी दोनों केसेस में जब हम दोनों एक ही साइड चार्ज लेते थे तो यहाँ तो हमेशा जीरो मिलता था, बट इस बार तो थोड़ा सा चेंजेस आ गया भैया, आपको एक अलग सा वैल्यू मिल गया। चलो ये हो गया केस टू, केस थ्री कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक आज का। केस थ्री में सिंपल मैं यहां से रब कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको केस थ्री बना देते हैं, टू को थ्री। ई नेट इज इक्वल्स टू क्या है, ये किधर साइड जा रहा है, पॉजिटिव, ई नेट पॉजिटिव, ई टू किधर साइड जा रहा है, नेगेटिव, तो इधर साइड क्या ले लूंगा, नेगेटिव। सो ई नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा वन बाय टू ऑफ एफ सेवन नॉट, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और इसकी जगह नेगेटिव तो नेगेटिव, ई बाय टू ऑफ एफ सेवन नॉट, ठीक। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, सिग्मा होता है, सॉरी सिग्मा, सिग्मा टू, तो ये वाई टू ऑफ एफ सेवन नॉट को कॉमन ले सकता हूँ, सिग्मा वन माइनस ऑफ सिग्मा टू,
ठीक है, अगर सिग्मा वन और सिग्मा टू इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा जीरो और बाय टू ऑफ एफ सेवन नॉट इज इक्वल्स टू ई नेट, और ई नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका जीरो। ठीक, ई नेट इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहां भी जीरो, और ये तीनों केसेस को लिख लो भैया। इसके बाद आज का अपना टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलो तो आज का टॉपिक भैया बस यहीं तक कंप्लीट होता होगा, और आपको एक क्वेश्चन पिनअप मिल जाएगा कमेंट में, तो होपफुली आप उसका आंसर देंगे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।